हेलो दोस्तों, ओशिनोगो के और एक बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले ओशिनोगो एपिसोड नंबर 9 के बारे में। तो लास्ट एपिसोड में जैसे कि तुम लोगों ने देखा था, एको ने मेमचो को बी कोमाची ज्वाइन करने के लिए प्रपोजल दिया था और एपिसोड नंबर 9 का कहानी वही से स्टार्ट होता है, जहाँ पर एपिसोड के स्टार्टिंग में एको बोलता है बी कोमाची एक बार फिर से न्यू मेंबर्स को रिक्रूट कर रहा है, जिसको सुनकर मेमचो बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन एको बोलता है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद एक्वा मेमचो को लेकर स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन पे आता है। स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन पे आने के बाद एक्वा मेमचो को मियाको से मिलाती है, जहाँ पर मियाको बोलती है मेमचो तुम्हारा तो काफी बड़ा फैन बेस है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक आइडल बनना चाहती हो और ऊपर से तुम्हारे यूट्यूब पे 370,000 सब्सक्राइबर्स और टिकटॉक पे 638,000 फॉलोअर्स, तुम्हारा फैन बेस काफी ज्यादा बड़ा है। इसके बाद मियाको मेमचो से पूछती है मियाको तुम कौन सी एजेंसी के साथ हो। लेकिन यहाँ पर मेमचो बोलती है मैं एक इंडिपेंडेंट स्ट्रीमर हूँ, मुझे सिर्फ एजेंसी के थ्रू हेल्प मिलता है और हम लोग किसी एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में नहीं है, हम लोग लगभग एक बिजनेस पार्टनर की तरह है और मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं दूसरा वर्क भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इसको सुनकर मियाको बोलती है तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम उनसे कॉन्टेक्ट कर लो कि स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन तुम्हें साइन करना चाहता है आइडल वर्क्स के लिए। यहाँ पर मियाको ये भी बोलती है हम लोगों के साथ बहुत सारा ऑनलाइन एंटरटेनमेंट का अच्छा रिलेशन है, तो वहाँ पर तो इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम लोग अपने टारगेट से अभी भी बहुत ज्यादा दूर है। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है मेमचो किसी चीज के बारे में यहाँ पर अपसेट थी, जिसको नोटिस करके मियाको बोलती है क्या हुआ, तुम किसके बारे में सोच रही हो, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर मियाको समझ जाती है कि मेमचो आखिरकार क्या बोलना चाहती है। यहाँ पर मियाको बोलती है तुम अपने एज के बारे में झूठ बोल रही थी है ना। मेमचो यहाँ पर बोलती है क्या आप बता सकती है सच में। लेकिन इसके बाद मियाको बोलती है तुम वीडियोस में लोगों को बुद्धू बना सकती हो, लेकिन इतना काफी नहीं है मुझे बुद्धू बनाने के लिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी तरह इंडिपेंडेंट फीमेल अपने एज के बारे में अक्सर झूठ बोलते हैं। मियाको की इस बात को सुनकर मेमचो रिलीफ हो जाती है। लेकिन इसके बाद मियाको पूछती है लेकिन तुम्हारा ओरिजिनल एज क्या है। इसके बाद मेमचो मियाको को कान पे उसका एज बताती है, जिसको सुनकर मियाको काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मियाको बोलती है क्या बोला तुमने, तुम्हारा एज कितना है, तुम लोगों को बोलती रहती हो कि तुम 18 की हो, तुम्हारे पास तो बहुत गट्स है ये बोलने के लिए। इसके बाद वहाँ पर एको भी आता है एंड एको भी सेम ही सवाल पूछता है क्या तुम 3 साल की बड़ी हो। लेकिन तभी यहाँ पर मेमचो बोलती है उसको डबल कर दो, जिसको सुनकर एको काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो इसका मतलब मेमचो का रियल एज था 25। इसके बाद एको बोलता है तो तुम 25 साल की हो और तुम हाई स्कूलर बनने का बहाना कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। इसके बाद मेमचो बोलती है मेरे अपने रीजंस है, जब मैं छोटी थी तब से मैं एक आइडल बनना चाहती थी, मेरे अलावा और भी 2 बच्चे थे हमारी फैमिली पर और मेरी मॉम अकेली थी इन सबको संभालने के लिए, तो मैंने सोचा जब मैं हाई स्कूल कंप्लीट कर लूंगी तो एक जॉब ले लूंगी। लेकिन तभी मेरी मॉम ने बोला तुम्हें जॉब के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तुम अपने ड्रीम को फॉलो करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। इसके बाद मेमचो ने ऑडिशन के लिए अप्लाई किया था और वो फाइनल तक भी पहुंच गई थी। लेकिन तभी मेमचो जब हाई स्कूल के 3rd ईयर में थी, तब मेमचो की मदर बहुत बीमार हो चुकी थी ज्यादा काम करने की वजह से, तो इसके वजह से मेमचो ने अपना नाम ऑडिशन से वापस ले लिया था। उसको तभी पैसे चाहिए थे, इसने उसने हाई स्कूल को तभी छोड़ दिया और एक जॉब ज्वाइन कर लिया। मेमचो ने पार्ट टाइम जॉब किया और कुछ बार्स में भी काम किया और उसने अपने भाई को भी कॉलेज पर भेजा। और जब उसकी मदर फिर से ठीक हो गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मेमचो 25 साल की हो गई थी, और हमारे सोसाइटी में 20 साल की ज्यादा उम्र वाली लड़की को ओल्ड माना जाता है और उनको ऑडिशन पे भी चांस नहीं दिया जाता। इसके बाद मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया, तभी भी मैं अपने हाई स्कूल से ब्रेक में थी, तो इसके वजह से मैंने सोचा कि मैं एक हाई स्कूल गर्ल बन जाती हूँ। इसके बाद धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए और मैं बहुत दूर तक चली गई, और ऐसा करते करते मुझे 2 साल हो चुके हैं। इसके बाद मेमचो बोलती है तो ये सब कुछ सुनकर मेरे ख्याल से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लीगी, ठीक है कोई बात नहीं मैं समझती हूँ, अभी मैं 25 साल की हो चुकी हूँ तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन तभी अचानक से रूबी आ जाती है मेमचो को सपोर्ट करने के लिए एंड वो बोलती है मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम मेमचो हो, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। तभी हम लोग को वहाँ पर काना भी देखने को मिलती है एंड काना ने अभी तक जो भी यहाँ पर बात चल रही थी उन सबको सुना था एंड मेमचो की स्टोरी को सुनकर काना बहुत ही रो रही थी। यहाँ पर काना बोलती है जब मैं अपने हाई स्कूल पे पहुंची तो चाइल्ड एक्टर्स वालों ने मुझे अपने जॉब से निकाल दिया और तभी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेमचो आइडल ग्रुप ज्वाइन करती है। इसके बाद मिया को रूबी से पूछती है, लेकिन यहाँ पर रूबी भी बोलती है मुझे भी कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर रूबी बोलती है तुम्हारा एज जितना भी बड़े लेकिन ड्रीम हमेशा टाइमलेस होता है, वेलकम टू बी कोमाची मेमचो। इसके बाद एक्वा काना को बोलती है उन दोनों का ख्याल रखना मेरे लिए,
जिसको सुनकर काना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुम्हें मुझसे बात करने का परमिशन किसने दिया? जाओ अपने आकाने के साथ जाकर फ्लर्ट करो, मैं इस ग्रुप का ख्याल रखूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ। एंड फाइनली जाकर मेमचो ने स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन ज्वाइन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को ले जाया जाता है रूबी के स्कूल पे, जहाँ पर रूबी बात कर रही थी मिनामी से। मिनामी यहाँ पर बोलती है, लव नाउ शो फाइनली जाकर खत्म हो गया, क्या तुमने अपने भाई का किस देखा टीवी पर, तुम्हें कैसा लगा? रूबी बोलती है, ये 5 टाइम खराब एक्सपीरियंस था किसी सिबलिंग्स का किस करने से। इसके बाद मिनामी बोलती है, मैं श्योर हूँ तुम एक दिन जाकर आकाने के साथ जरूर से मिलोगी, आफ्टर ऑल क्योंकि वो तुम्हारे भाई का गर्लफ्रेंड है। तो जब रूबी एंड मिनामी बात कर रहे थे तभी वहाँ पर फ्रील भी आती है। फ्रील आकर बोलती है, क्या तुम लव नाउ शो के बारे में बात कर रही हो? रूबी एंड मिनामी बोलती है, हाँ हम लोग लव नाउ शो के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद फ्रील भी लव नाउ शो के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। यहाँ पर वो ये भी बोलती है, मैं पर्सनली मेमचो को देखना चाहती थी, अच्छा होता अगर लड़के थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होते। फ्रिल के इस टॉकेटिव वर्जन को देखकर मिनामी और रूबी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही फ्रिल है जो टीवी पर बहुत ही ज्यादा कूल है और प्राइवेट में वो ऐसे बिहेव करती है। इसके बाद फ्रिल एक्वा के बारे में भी बोलती है। वो बोलती है, एक्वा आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत लड़कियों का उसके ऊपर नजर है, लेकिन क्योंकि सभी को पता है कि एक्वा का गर्लफ्रेंड आकाने है तो उसके ऊपर कोई ट्राई नहीं मार रहा है। इसके बाद हम लोग को एक बार फिर से मेमचो रूबी और काना के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है मेमचो का 10,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ गया था क्योंकि मेमचो ने अपना चैनल स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन के साथ कनेक्ट किया था। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है मेमचो के चैनल पर वो तीनों अपना नया आइडल ग्रुप के रिलेटेड एक वीडियो भी बनाते हैं, जिसको देखकर रूबी बोलती है, इसको देखकर लग रहा है कि हम लोग अभी प्रोफेशनल बन चुके हैं। इसके बाद मेमचो बोलती है कि हम लोगों ने अभी तक अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाया है, अगर पॉसिबल होता तो मैं चाहता था कि एक म्यूजिक वीडियो हम लोग अपलोड करें। इसके बाद मेमचो काना से पूछती है, आजकल म्यूजिक पे ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है? काना यहाँ पर बोलती है कि प्रेसिडेंट बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ कॉन्टेक्ट कर रही है तो उनको सब कुछ पता होगा, और वैसे भी जब तक म्यूजिक तैयार नहीं हो जाता तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो अभी के लिए जस्ट चिल करो। लेकिन तभी यहाँ पर मेमचो बोलती है, ऐसा नहीं है, बी कॉमर्जी के ओन रिकॉर्ड्स भी है, क्यों ना हम लोग उसको यूज करें। मेमचो के इस आइडिया को सुनकर रूबी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। रूबी बोलती है, हाँ हाँ क्या जीनियस आइडिया है। इसके बाद वो सभी म्यूजिक वीडियो के लिए तैयारी करते हैं एंड यहाँ पर वो लोग डांस प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर काना सोचती है कि टोटल पे मिलाकर 30 म्यूजिक वीडियोस है, क्या हम लोग को सब कुछ याद रखना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग जब डांस प्रैक्टिस से ब्रेक लेते हैं तब यहाँ पर एक्वा आता है एंड एक्वा काना के लिए एक बोतल पानी लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर काना बोलती है, मुझे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ। काना के इस बिहेवियर से एक्वा थोड़ा यहाँ पर सैड हो जाता है। वो बोलता है, तुम मेरे साथ लेटली इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, मुझे पता है कि तुम में बहुत एटीट्यूड है और तुम्हारा मुंह ज्यादा चलता है, लेकिन तुम अगर ऐसा ही करती रही तो मुझे भी बुरा लगेगा। इसके बाद एक्वा वहां से चला जाता है एंड एक्वा की इस बात को सुनकर काना सोचती है, क्या लेकिन क्यों, तुमने ही तो ये स्टार्ट किया था। इसके बाद हम लोग को ले जाया जाता है लव नाउ शो के प्रोड्यूसर के पास, जहाँ पर एक्वा भी आया हुआ था आई के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर प्रोड्यूसर पूछते हैं, तुमको आई के बारे में इतना सब कुछ किस लिए जानना है? एक्वा बोलता है, मैं उसका एक फैन हूँ, क्या आपको और कोई रीजन चाहिए? इसके बाद प्रोड्यूसर बोलता है, हो सकता है कि तुमको सच्चाई जानकर चोट पहुंचे, हो सकता है सच्चाई तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता हो, ये शो का इंडस्ट्री ब्लफिंग बैटल की तरह है, ये काफी हद तक एक जॉब इंटरव्यू देने की तरह है। तो प्रोड्यूसर यहाँ पर इधर उधर की बातें करके एक्वा को आई के बारे में इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते थे। एक्वा बोलता है, जो भी हो मुझे जानना है। इसके बाद प्रोड्यूसर बोलते हैं, जैसे कि मैंने तुमको पहले भी बोला था, मैंने आई के साथ बहुत सारे जॉब्स पे उसके साथ काम किया है, आई तभी इंडस्ट्री पे नहीं आई थी, तब उसके पास कोई भी प्रोफेशनलिज्म नहीं था और वो कोशिश भी नहीं कर रही थी, वो एक बच्चे की तरह थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसका हेल्प करूं, इसलिए मैंने उसको एक थिएटर ट्रूप के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, ये जगह मेरे कॉलेज के बहुत ही ज्यादा करीब था, इसका नेम था लालाली थिएट्रिकल कंपनी। लालाली थिएट्रिकल कंपनी का नाम सुनकर एक्वा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड उसको आकाने के बारे में याद आती है, क्योंकि आकाने भी इसी थिएटर कंपनी के लिए काम करती है। यहाँ पर प्रोड्यूसर ये भी बोलते हैं, तभी के टाइम पर ये थिएटर उतना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ही आई को प्यार हो गया था। इसके बाद प्रोड्यूसर ये भी बोलते हैं, जब आई ने उस थिएटर कंपनी पे जाना स्टार्ट किया तब से आई का फैशन टेस्ट बदल गया, वो अपने अपीयरेंस के ऊपर और भी ज्यादा अटेंशन देने लगी और वो मुझसे रेस्टोरेंट का रिकमेंडेशन भी मांगती थी। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उसको किसके साथ प्यार हो गया था, लेकिन मैंने ये नोटिस किया था कि कैसे एक लड़की का चेहरा एक वुमेन में बदल गया। इसके बाद प्रोड्यूसर एक्वा को बोलते हैं, अगर तुम चाहते हो तो मैं उस कंपनी के साथ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, और मेरे ख्याल से ये तुमको अपने टारगेट की तरफ और ज्यादा क्लोजर ले जाएगा,
इसके बाद एक्वा प्रोड्यूसर से पूछते हैं, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक फेल्ड एक्टर हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है और ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एक दूसरे का फेवर ही करते हैं। जैसे कि तुम जानती हो, ये प्रोडक्शन कंपनी एक दूसरे का फेवर करके एक बहुत बड़े मार्जिन का पैसे कमाते हैं। तो ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम एक स्टार बनना चाहते हो तो मेरा काम है तुम्हें स्टार बनाना, तो मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। और मैंने मेमचो और काना अरिमा के पास भी पोटेंशियल देखा है, और तुम लोगों ने जो न्यू बी कोमाची ग्रुप स्टार्ट किया है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से ये काफी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके बाद हम लोग को एक बार फिर से मेमचो के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर मेमचो बोलती है कि लव नाउ शो के प्रोड्यूसर हम लोगों को एक ऑफर दे रहे। वो बोल रहे कि उनका कुछ कनेक्शन है जिससे हम लोग स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। इस बात को सुनकर काना बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, लेकिन क्योंकि उन लोगों के हाथ में सिर्फ एक महीना था, इसको सुनकर वो राजी नहीं हो रही थी। वो बोलती है, नो वे, हम लोगों के पास सिर्फ एक महीना है, हम लोगों ने तो अभी अभी प्रैक्टिस शुरू किया है, हम लोग न्यू भी है, हम लोग स्टेज पे जाकर क्या कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर रूबी बोलती है, नहीं हम लोग कर रहे हैं। रूबी यहाँ पर बोलती है, ये कितनी कमाल की बात है कि हम लोग स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन काना बोलती है, मुझे नहीं लगता कि ये लोगों को पसंद आएगा। लेकिन यहाँ पर रूबी बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आखिरकार हम लोग बी कॉमची के सक्सेसर है। काना एक बार फिर से बोलती है, वो तो इसलिए है क्योंकि तुमने नाम चुराया है। तभी यहाँ पर मेमचो भी आती है। मेमचो बोलती है कि हम लोगों को ये चांस लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अदर्स ग्रुप को इतने साल काम करने के बाद भी इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता, और हम लोगों को इतना बड़ा चांस मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ये चांस का फायदा उठाना चाहिए। काना यहाँ पर बोलती है, हाँ तुमने गलत तो नहीं बोला, अगर तुम लोग मुझे करने के लिए बोलते हो तो मैं करूंगी। एंड फाइनली जाकर यहाँ पर काना भी राजी हो जाती है। इसके बाद अभी उन लोगों के सामने सवाल आ चुका था कि सेंटर गर्ल कौन बनेगा। काना यहाँ पर बोलती है, किसी को भी चुन लो। लेकिन यहाँ पर बाकी दोनों बोलते हैं, ये बहुत बड़ा डील है, हम लोग ऐसे ही किसी को चूज नहीं कर सकते। सेंटर गर्ल किसी भी शो का मेन स्टार होती है, सिंगिंग डांसिंग वही होती है किसी आइडल ग्रुप का मेन फेस, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर रूबी हंसते हंसते बोलती है, अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। एंड दूसरी तरफ पर मेमचो बोलती है, क्योंकि मेरा एज ज्यादा है तो मेरे पास एक्सपीरियंस है। इसके बाद रूबी बोलती है, मुझे सेंटर गर्ल बनना चाहिए क्योंकि मैं डांसिंग में अच्छी हूँ। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर मेमचो बोलती है, नहीं नहीं मुझे बनना चाहिए क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। इसके बाद अचानक से वो दोनों डिसाइड करती है कि काना को सेंटर गर्ल बनना चाहिए, क्योंकि काना ने पहले भी बहुत सारे म्यूजिक शोज किया है। तभी यहाँ पर मेमचो बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने उन सब सॉन्ग को बहुत सालों से नहीं सुना है। दूसरी तरफ यहाँ पर काना अपने सॉन्ग के बारे में सुनकर काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। काना यहाँ पर बोलती है, उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती डांस करवाया था जब मैं किंडरगार्टन में थी, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं एक अच्छी सिंगर नहीं हूँ। इसके बाद रूबी बोलती है, मुझे लगता है कि जिसका वॉइस अच्छा है उसी को सेंटर गर्ल बनना चाहिए। एंड यहाँ पर मेमचो भी एग्री करके बोलती है, हाँ हाँ तुमने सही बोला, सेंटर गर्ल के पास अगर माइक नहीं होता है तो वो कभी भी शाइन नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर रूबी को अचानक से एक आइडिया आता है। वो बोलती है, तो क्या ख्याल है एक कैराओके कॉन्टेस्ट का, काना तुम हमारे साथ आ रही हो ना। लेकिन यहाँ पर काना बोलती है, नहीं मैं नहीं जाने वाला, सेंटर किसी आइडल ग्रुप का फेस होता है, अगर तुम लोगों ने मुझे चुना तो तुम लोगों को कभी भी फैन नहीं मिलेगा। काना के इस बात को सुनकर रूबी बोलती है, तुमने आखिरकार ऐसा क्यों बोला। काना यहाँ पर बोलती है, मेरे भी अपने रीजंस हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टिंग की वजह से रुकी हुई हूँ, मैंने हर तरीके का काम किया है, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसको जॉब मिलता है उसके पास रेपुटेशन को देखकर, लेकिन इसके होते हुए भी मैं अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैं अपने खाने के टेबल पर खाने का इंतजाम जरूर से कर लेती हूँ। और पॉइंट यही पर ही है, क्योंकि काना अरिमा का एक फैन बेस इसलिए नहीं है क्योंकि कौन इस तरीके के लड़की के ऊपर पैसा स्पेंड करना चाहेगा। मेमचो के पास अपने सब्सक्राइबर्स है और तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल फेस है, मेरे ख्याल से तुम लोग एक हिट हो गए। मेरी तरह लड़कियों का कोई भी परवाह नहीं करता, सभी लोग मुझे एक फिलर की तरह देखते हैं। चलो अभी जाओ तुम लोग तुम्हारा कैराओके कॉन्टेस्ट स्टार्ट करो। यहाँ पर जाते जाते रूबी काना को बोलती है, काना तुम अपने आप के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही खराब सोचते हो, क्या कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पर काना बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर रूबी ये भी बोलती है, तुम बहुत ज्यादा चिंता करती हो, मेरा भाई जो किसी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करता उसने तुमको क्यूट बोला था। लेकिन तभी काना बोलती है, ये बात तो उसने मेमचो को भी बोली थी। काना के इस आंसर को सुनकर रूबी बोलती है, तुम्हारे पास हर सवाल के लिए कोई जवाब रेडी होता है, मुझे तो ये सोचकर ही दुख हो रहा है कि कौन तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा। तभी यहाँ पर रूबी को अचानक से याद आता है, इस बात से मुझे याद आया मेरे भाई का टेस्ट क्या है लड़कियों में। इसके बाद मेमचो एंड रूबी अपना कैराओके कॉन्टेस्ट स्टार्ट करती है, एंड कैराओके में परफॉर्म करते करते वो दोनों एक दूसरे का कंप्लेन भी करते हैं। एंड फाइनली अगर उन लोगों का जब प्रैक्टिस खत्म हो जाता है, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन दोनों को ही और भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके बाद वो दोनों बोलते हैं, चलो हम लोग अभी एक ब्रेक लेते हैं और एक रिलैक्सिंग म्यूजिक प्ले करते हैं। तभी यहाँ पर रूबी सजेस्ट करती है, पीपर के बारे में क्या ख्याल है,
तो पीपर काना का गाया हुआ एक सॉन्ग था। और जब वो दोनों काना का सॉन्ग का प्लेलिस्ट चेक करते हैं, वो लोग देखते हैं काना ने अभी तक बहुत सारे सॉन्ग को रिलीज किया है और इसके बारे में मिमचो को कोई भी आइडिया नहीं था। और इसके बाद जब वो लोग काना का गाना सुनते हैं, वो लोग बोलते हैं अगर तुम इसको खराब गाना बोलती हो तो काना तुम अपने आप के ऊपर बहुत नाइंसाफी कर रहे हो। एंड दैट्स इट फॉर द एपिसोड। तो एपिसोड नंबर 9 यही तक ही था। आई होप कि तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा एंड वीडियो भी आई होप कि तुम लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है, तुम लोगों को लाइक करना है वीडियो को एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को करना है ऑब्वियसली सब्सक्राइब ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए। तो गाइस आज का वीडियो तक एंड करते हैं, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।